सबसे पहले आप ये जानिए कि दो लोग कुछ नहीं कर सकते। पहला वो जिसके पास सामर्थ्य ही नहीं है कुछ कर पाने की, और दूसरा वो जो बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है। कैसे समझना, पूरा डिटेल समझाता हूं। नमस्ते जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। फर्ज करो आप स्कूटर में कहीं जा रहे हो और आपके स्कूटर को पीछे से किसी दूसरी गाड़ी वाले ने ठोक दिया। अब आप स्कूटर से उतरते हो, सामने वाला आपको आंख दिखा रहा है और आपको गालियां निकाल रहा है, आपको चार पांच बातें कह रहा है। इस कंडीशन में स्थिर होकर आप यहीं पे, यहां पे मेरे पास आप सोचो, यहां पे दो तरह का रिएक्शन हो सकता है। क्या कि आप उसका कॉलर पकड़े और उस पर मोमो मुक्के की बारिश कर दें, या फिर आप उसे गालियां निकालना शुरू कर दें। दोनों ही कंडीशन में आप उनका प्रतिकार करने पे उतारू हो रहे हैं, ठीक है, आप उनका प्रतिकार कर रहे हैं। या दूसरा, आप उनके सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं बोलते और पीछे हट जाते। तो यहां पे क्या है कि आपको लगता है कि आप उनका प्रतिकार कर सकते हैं इसलिए आप उसका प्रतिकार करेंगे, या फिर आपको लगता है कि आप उतने सामर्थ्यवान नहीं है कि आप उनका प्रतिकार कर सके, उनसे लड़ सके, तो आप नहीं करेंगे। ये तो एक कंडीशन हो गई। मतलब कि अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है उनका प्रतिकार करने की, तो आप उनका प्रतिकार नहीं करेंगे। एक सही बात है, ये बात में हम सभी एग्री करेंगे, ठीक है। दूसरा, कि आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप चाहे तो उसे उठवा सकते हैं, आप चाहे तो उसे बर्बाद कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको फोड़ सकते हैं, फिजिकली आप इतने ताकतवर हैं कि आप वहीं पे उनको धाराशाही कर सकते हैं। लेकिन अब आप एक बात समझना, यहां पे हम तीन कंडीशन को डिस्कस कर चुके हैं। पहला, जिसमें आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप उसे कूट सकते हैं अभी। दूसरा, आपके पास सामर्थ्य है ही नहीं। और तीसरा, आपके पास बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। तो यहां पे मुद्दे वाली बात यह है कि आप उसे नहीं कूटेंगे दो कंडीशन में, कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, और दूसरा कि आपके पास बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा सामर्थ्य के साथ उससे धाराशाही किया तो वो विक्टिम बनेगा और आप कल्प्रिट बन जाओगे, ना केवल दूसरों की नजर में अपितु आप अपनी नजर में भी। यही सच है, ऐसा ही होता है। आपको कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, आप उनसे नहीं लड़ सकते, पूरी मीडिया आपके खिलाफ हो जाएगी, पूरा वहां पे जो लोग फोटो वीडियो करेंगे वो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हो यहां पे क्या है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको उनसे लड़ना चाहिए, या आपको उन्हें जवाब दे देना चाहिए, या आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उसकी औकात याद दिला देनी चाहिए, उस कंडीशन में ये सोचिए कि आप उनसे कमजोर हैं या आप उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली। कमजोर होने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। हम अपने मानस पटल में, अपने मेंटल पिक्चर में अपने आप को कमजोर क्यों जाने। आप ये सोचिए कि आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे, आप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बीच वाला रास्ता सभी जी रहे, बीच वाले रास्ते में सभी जी रहे, तो वो आपको नहीं करना है। अब सवाल ये आता है कि कोई बार बार ऐसा करे तब क्या करे। तब पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी समझदारी के साथ, गुस्से में आकर नहीं, फ्रस्ट्रेशन में आकर नहीं, सोच समझ कर, विचार करके, प्लानिंग करके आप उन्हें सही समय पर सही जवाब देंगे। कई तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बैठेंगे, विचार करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो थ्योरी है कि जो कुछ नहीं कर जानता और जो सब कुछ जानता है वो एक जगह पे होता है, यानी कि अगर आप अज्ञानी हो, किसी ऐसी महफिल में बैठे हो, किसी ऐसी टॉपिक में बात चल रही है जिसमें आपको कोई नॉलेज नहीं, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन ज्यादा बात कौन लोग कर रहे होंगे, जो उसके बारे में कुछ जानते हैं, थोड़ा ज्यादा जानते हैं, या बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जो उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से ज्ञान रखता है, वो भी चुप रहेगा वहां पे, क्योंकि वो ये सोचेगा कि इन मूर्खों के सामने बात करने से कोई फायदा नहीं। समझ में? सपोज आज आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कल के लिए, परसों के लिए, नरसों के लिए, लेकिन एक ऐसा बुद्धिजीवी इंसान जो आपके एक महीने या दो महीने के भविष्य को अच्छे से जानता है, वो कुछ नहीं बोलेगा,
वो कुछ नहीं बोलेगा, ना ही वो कोई बात करेगा, ना ही वो कोई सजेशन देगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से अपने आप को हल्का कर रहे हैं, तो आप भी अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से अपने आप को हल्का कर देंगे। और लोगों की मानसिकता को समझो, आप उनको हराने के लिए जितना ना नीचे जाओगे, वो और नीचे जाएंगे, वो और नीचे उतरते जाएंगे, और अंत में जो सबसे नीचे गिरेगा वही उस बहस को जीतेगा। जिंदगी में नहीं जीत रहा हो, उस बहस में जीतेगा। और हमें ये लगता है कि इस बहस में अगर हम जीत गए या वो जीत गए तो वही जीत या हार है, ऐसा नहीं है। आप भले बहस को हार जाइए, लेकिन अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने व्यवहार में, अपने एक्शन में कुछ ऐसा करके दिखाइए जो कि वैसे भी है। अगर आपने यहाँ पर अगर आप चुप रह गए तो वो ऊर्जा, वो फ्रस्ट्रेशन जो मुंह से बाहर निकलनी थी, वो अंदर ही कहीं रह जाएगी, और उसे आप सही डायरेक्शन दे करके आप कुछ समय के बाद जीत जाओगे। मैंने ये नहीं कहा कि आप उसे हरा दोगे, आप जीत जाओगे, और जीतना इम्पॉर्टेंट है, ना कि किसी को हराना। आशा करता हूँ ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।